तो भाई और बहनों सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जी और आप लोग देख रहे हो टोटल गेम यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस एक और बार ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर पार्ट 5। और ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर का सिंपल बात है पार्ट 5 है, क्योंकि हमने पार्ट 4 तक तो खेला हुआ है। मतलब पहले जो 4 पार्ट थे उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें शॉप के अंदर करी। अब जो लोग नहीं जानते ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर के अंदर मैं करता क्या हूँ, देखो इस गेम के अंदर मेरा एक शॉप है जिसके अंदर मैं सामान खरीदता हूँ जथाबंद में, और उसको मैं व्यापार करता हूँ। मतलब मैं एक व्यापारी हूँ, एक मेरी दुकान है, दुकान मतलब आप समझो सुपर मार्केट है मेरा। और वो चीज़ आपको आगे जाके पता लगेगी, ये मेरा घर है आप लोग देख सकते हो। और मेरे को अभी के लिए पहले तो सुसु करने की ज़रूरत है, तो मैं सुसु करूँगा, उसके बाद बात लेगा मतलब नहाएगा और फिर मैं जाऊँगा अपनी शॉप पर। तो वेट करो और देखो मेरा शॉप कितना आलीशान है। वैसे अभी ना एक घर में आपको दिखा देता हूँ मेरा, ये मेरा घर है जहाँ पे ये एकदम रसोड़ा टाइप है। रसोड़ा मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, इसको कुछ तो कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जवान पे नहीं आ रहा है। वैसे मैंने सुना हुआ इसको क्या बोलते हैं, कुकिंग करने का क्या है यार इसको, जो भी बोलते हैं मतलब हिंदी में तो रसोड़ा कहते हैं। और उसके अलावा ये मेरा घर आप लोग देख लो, छोटा सा घर है बट काफ़ी प्यारा घर है। और यहाँ पे मेरे पास ना इस घर के अंदर ये मिनट एक मिनट ऊपर जा, हाँ ये तो बाथरूम वगैरह तो चलो समझ आता है, बट एक रूम ये मेरी है और ये मेरी बंदी की रूम है, बट मेरे पास अभी तक कोई बंदी नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं मिली है, तो उसकी रूम ऐसे ही खाली है। देखो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एकदम खाली रूम, एकदम चकास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय द वे भाई लोग जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर देना, वीडियो अभी स्टार्ट ही हुआ है, बाद में लाइक कर देना। आ जाओ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी बाइक नहीं कार, ये है मेरी येलो वाली कार जो कि काफ़ी सही है। और लगभग मेरे को जहाँ तक पता इस कार को मैंने खरीदा था $4500 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। मतलब सेकंड हैंड गाड़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम नए में से खरीदी थी। $4500 मतलब कि आप समझ लो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लो कितना होता है। अभी यहाँ से अपन लोग जाएंगे अपनी शॉप पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा शॉप। और शॉप के अंदर मेन में क्या करता हूँ पता है, एक जुबेर शॉप करके एक दुकान है, जुबेर शॉप मतलब कि वो जथाबंद में सामान मेरे को बेचता है। और वो कौन से तुम्हें पता है कि जथाबंद में अपन एक साथ 10 आइटम लेते हैं ना, तो थोड़ी सस्ती आती है, और फिर मैं उसको एक एक करके बेचता हूँ और मैं उससे मुनाफा निकालता हूँ। एक मिनट रुको, ये आ गई अपनी शॉप, देख सकते हो सामने है बैंक, और बैंक के सामने ही है मेरा शॉप जिसका नाम है टोटल गेमिंग। और यहाँ पे अब लोग सबसे पहले जाने वाले दुकान पे, और दुकान पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये है अपनी दुकान जो कि काफ़ी अच्छी है, और अपन ने काफ़ी ज़्यादा सामान बेचा भी है, कमाया भी है, काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई है। बट अभी के लिए अपन लोग सबसे पहले करने वाले जो भी मैंने जबेर शॉप से ऑर्डर किया था ये सब सामान आ चुका है, यहाँ पे मैंने रख दिया है। उसके अलावा कल दोपहर से कल रात तक मतलब मैंने 7-8 घंटे इस गेम को खेला, जिसके अंदर मैंने लगभग $6000 की कमाई की थी। और वो $6000 से मैंने काफ़ी सारी आइटम नई खरीदी, जैसे कि ये फ्रिज देखो, हमारे पास एक ही फ्रिज है और हमारे पास ना फ्रिज के अंदर रखने के लिए सामान बहुत सारा है। तो अपन लोग फ्रिज के अंदर सामान अगर रखना चाहते हैं तो हमें सेकंड फ्रिज चाहिए था, मतलब दूसरा फ्रिज चाहिए था, तो कमाई तो करनी ही थी। तो कल रात मैंने लगभग दोपहर से रात तक खेला और मैंने $6000 कमाए, जिसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें बाई करी, परचेस करी, और वो आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं शेल्फ जो है वो रख देता हूँ, मैंने नया शेल्फ खरीदा है और इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। एक मिनट हाँ भाई लग जा यार, ये अपना शेल्फ और इसको मैंने लगा दिया है दीवार के एकदम मतलब साथ में, ज्वाइंट कर दिया है। उसके अलावा केक फ्रिज भी खरीदा है, क्योंकि मेरे पास ना केक जो है ना वो नहीं थी, मतलब केक का फ्रिज नहीं था, और केक में एसी लेके आता ना तो केक बिगड़ जाती, तो हमें फ्रिज भी चाहिए था केक को रखने के लिए, जो कि मैंने इसमें खरीद लिया है पहले ही। हालांकि मैं खरीदना चाहता था वीडियो के अंदर, बट अब मैं क्या बोलूँ यार, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट किया, वरना मैं वीडियो के अंदर आपको बकायदा दिखाता। मैंने केक फ्रिज लगभग $1500 से खरीदा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ब्रेड सेल्फ भी खरीदा है, वॉल जो है वो तो मेरे पास पहले से थी, ड्रोवर खरीदा है, और फ्रिज खरीदे हैं 2। उसके अलावा शेल्फ, राउंडेड शेल्फ जो आते हैं वो भी मैंने 5 खरीदे हैं। चिप्स डिस्प्ले वाला जो है उसको भी मैंने खरीदा है। स्टोरेज रैक भी मैंने खरीदा है। एस वॉल शेप भी खरीदा है, मतलब ये सभी चीज़ें खरीदी है। सबसे पहले अपन लोग चिप्स वाला जो है ना इसको इधर लगाने वाले, ताकि आते जाते लोगों को ना सबसे पहले चिप्स दिखे। ओह माय गॉड, चिप्स खरीदनी है अपने बच्चों के लिए ऐसा, तो मैं इसको इधर रख दिया। चिप्स वाला देख सकते हो एकदम मस्त लग चुका है। हाँ अभी और भी एक हमारे पास चिप्स वाला है, उसको भी लगाना है। किधर गया चिप्स डिस्प्ले, ये रही बात। ये एक मिनट हाँ, क्यों भाई लग क्यों नहीं रहा, तू लग जा फटाक से। एक मिनट, ये लग गया चिप्स का। अरे भाई ब्लू लाइन चली जा रही है, चलो यहाँ पे लगा दिया हमने चिप्स। और उसके अलावा अभी ना यहाँ पे एक राउंडेड शेल्फ लगा देते हैं, क्योंकि जगह है, देखो यहाँ पे एकदम लग जाएगा राउंडेड शेल्फ एकदम मस्त वाला, देख सकते हो ऐसे। और
अभी क्या कर सकते हैं, आप इसके आसपास में और भी चीजें लगा सकते हैं अगर लगानी हो तो। वैसे मेरे पास ना राउंडेड शेल्फ जो है वो 4-5 है, तो अभी भी लगा सकते हैं अपन लोग। राउंडेड शेल्फ किधर है, ये रहे देखो, चलो आ जाओ। एक ये है राउंडेड शेल्फ, इसको ना कहाँ पे लगाएंगे पता है, मेरे को लग रहा है इसको लगाना चाहिए, नहीं अभी के लिए इसको छोड़ देते, इसको कहीं पे भी नहीं लगाते हैं, रुको कैंसिल करो इसको। और भी चीजें जो अपने पास बड़ी वाली है वो सब लगाते हैं, जैसे कि फ्रिज, फ्रिज लगाते हैं अपन लोग, एक फ्रिज लगाएगी यहाँ पे, क्योंकि एक तो फ्रिज वहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्रिज यहाँ पे लगा देते हैं एकदम मस्त तरीके से। ये लगा दिया फ्रिज, और फ्रिज हाँ सही तरीके से ही लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास एक और फ्रिज है जिसको अपन लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे, वैसे ये रास्ता ब्लॉक कर देगा ये वाला फ्रिज, तो उससे अच्छा कि अपन ये फ्रिज को इधर ही लगाए। तो ये लगा दिया यहाँ पे भी फ्रिज, और अभी एक जाते हैं राउंडेड शेल्फ की तरफ, ये नहीं लगाना ब्रो यार, स्टोरेज रैक भी नहीं लगाना है, ये लगा देता हूँ आई थिंक, मुझे ना ये तो लगाना चाहिए, एक मिनट रुको, इसको कहाँ पे लगा सकता हूँ, ये एक मिनट, हाँ ये दीवार पे ऐसे चिपक जाता है एकदम मस्त वाला, मतलब लोग भी देख के बोलते हैं वाह मजेदार, एक मिनट रुको ये सही नहीं लग रहा है, मिनट इसको हटाते वापस लगाएंगे, ये लगाते वो नहीं लगाते, यार ये कैसे लग क्यों नहीं रहा भाई, रुको ये उल्टा ना लग जाए भाई यार, इसको एकदम अरे 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 लग जा, चलो मस्त लग गया इधर यार, ये बहुत ज्यादा स्पेस दे रहा है पता है, पीछे टच होके लग जाए ना तो मजा आए भाई यार। एक मिनट ये लगाने की ट्राई करते, अभी अब लगना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, हाँ लग जा ब्रो, हाँ लग गया, चलो एकदम टच कर दिया है दीवार के साथ, मस्त। अभी हमारे पास एक और भी है, ये वाले और भी बहुत सारे हैं, तो एक मिनट अभी क्या लगाते हैं, शेल्फ ही लगाते हैं, नहीं शेल्फ नहीं, ये वॉल, चलो ये ब्रेड वाला बाद में लगाएगी, अभी और काम की चीज़ क्या है, शेल्फ राउंडेड शेल्फ बहुत सारी यार, इसको ही लगाते हैं, रुको यार एक राउंडेड शेल्फ जो है ना इधर लगा देते हैं ऐसे, अभी एक और राउंडेड शेल्फ उठाते हैं, इसको लगा देते हैं इधर, इसके अंदर अपन लोग ना बिस्कुट वगैरह ही रखेंगे, और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये राउंडेड शेल्फ के अंदर तुम क्या रखोगे, वेफर्स रख दी या फिर बिस्किट रख दिया, वही सब रखना पड़ेगा, इसके अलावा तो आप कुछ रख नहीं सकते, मेरे को नहीं लगता कि आपके पास कोई और भी स्पेस रहता है कि आप चीज़ों को रखो इसके अंदर। ये इधर हाँ रख दिया, अभी स्टोरेज वाला जो है ना स्टोरेज रैक, इसको इधर रख देते हैं एकदम फर्स्ट क्लास। अपने पास आई थिंक ना जगह बहुत सारी होगी जहाँ पे अपन लोग सामान रख सकते हैं, पहले क्या था कि हमारे पास जगह कम थी सामान रखने के लिए, बट अभी मुझे लग रहा है हमने सभी चीज़ें बाई करी है ना, तो हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा हो गई है सामान रखने के लिए, बट सामान हमारे पास कम है, तो सबसे पहले आज तो वही करना है हमें ना, जेबर शॉप जाना है या तो इधर से ही ऑर्डर करना है बहुत सारा सामान जो कि अपन लोग इसमें रखने वाले हैं, और सामान बेचेंगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब भी बिजनेस बढ़ेगा तभी तो यार आगे कमाई ज़्यादा होगी ना, वैसे तो भाई नुकसानी का केस हो जाएगा, नुकसानी में कितना ही काम करेंगे बताओ, तो थोड़ा पैसे भी कमाना पड़ेगा। तो चलो ये ब्रेड वाला जो है ना ब्रेड शेल्फ, इसको स्टार्टिंग में ही रखते हैं, क्योंकि ब्रेड ना एकदम टाइम टू टाइम खाने वाली चाहिए पता है, मतलब हर सुबह में आपको ब्रेड वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, बट मेरे पास सच बताऊँ तो ब्रेड नहीं है अभी के लिए, और अभी मेरे पास ये सभी सामान पड़ा हुआ है, मैंने टॉयलेट और बाथ जो है यहाँ पे ही रख दिया है, ताकि मेरे को घर पे ना जाना पड़े सुसु वगैरह करने के लिए। मेरे को भूख लगी है जो कि 56 है, बट कोई दिक्कत नहीं, 90 तक चलेगा, 90 जैसे ही भूख लग जाएगी 90 के आसपास तब अपन लोग खाना खाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे इस बॉक्से के अंदर क्या है, बॉक्सा ये बक्से के अंदर है वेनिला आइसक्रीम, जो कि फ्रिज में ही रहेगा सही वाला, वरना ये बिगड़ जाएगा। देखो रिक्वायर्ड फ्रिज, ओके लिखा हुआ था ना ऊपर, मैं ये चीज़ बोल रहा था, इसलिए मेरे को फ्रिज दूसरा भी चाहिए था, क्योंकि एक फ्रिज के अंदर अपन लोग ढेर सारा सामान नहीं रख सकते हैं, और अगर सामान बेचेंगे नहीं ना तो अपन लोग कमा नहीं सकते हैं पैसे, तो पैसे कमाने के लिए हमें इन्वेस्ट भी करना ही पड़ेगा कोई ना कोई, जो अपनी ये सुपर शॉप है आइटम्स रखने के लिए चीज़ों तो खरीदनी ही पड़ेगी, सिंपल है भाई यार, अभी इससे ज़्यादा मैं आपको कैसे समझाऊंगा बताओ। बाय द वे भाई लोग, इस वीडियो के अंदर ना मैंने सोचा है 50,000 लाइक का टारगेट रखे, तो आई होप आप सभी लोग अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो कोई ना, बट अभी जाके वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो के अंदर 50,000 लाइक का टारगेट है, अगर आप लोग 50,000 लाइक करवा देते हो ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। चलो तो ये टारगेट कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से वैसे, और मेरे को बताओ ये गेम तुम्हें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये सवाल किया था, इसका कोई प्रॉपर आंसर तुम लोगों ने किया नहीं था, बट आज जाते जाते बता के जाना कि ये कैसी लग रही है आपको गेम, और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जिस ही मैं इसका पार्ट 6 अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देख सको। ये स्ट्रॉबेरी बिस्किट है गाइस, ये स्ट्रॉबेरी बिस्किट अगर कोई खरीदने के लिए आता है तो अपन लोग बेच सकते हैं। अब आप में से ना बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोलोगे यार ये सामान सभी यहाँ पे शॉप पे रखने की तो जरूरत क्या है, पैसे क्यों कमाने ये सब चीज़ें, देखो पैसे तो हर किसी को कमाने होते, वो तो सिंपल आंसर है, बट हाँ
ये सभी सामान अगर हमारे पास नहीं रहेगा ना, लोग आके देखो ये मैं दिखाता हूँ, हमने ना $401 आज के दिन कमाए हैं। और कंप्लेंट देखो, कंप्लेंट के अंदर है नो चॉकलेट बिस्किट, नो टॉयलेट क्लीनर, ये नो एप्पल। जो हमारे कस्टमर आते हैं ना, उनको ये चीज चाहिए थी बट हमारे पास थी नहीं, तो ये चीज ना होने की वजह से हुआ क्या, ये शॉप रेटिंग चीज है। अभी देखो शॉप रेटिंग जो है, अगर हमारी 50% होगी, मतलब 50% होगी, तब जाके अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाय सेल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर ही आज के समय में पैसे सबसे ज्यादा है, तो अगर हमें 50% रेटिंग चाहिए तो जो भी कस्टमर आता है उसको जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए। अगर उसको चीज वो नहीं मिलेगी तो अपना जो शॉप रेटिंग वो -3% जाएगा। अभी अपनी शॉप रेटिंग है 1%, मतलब एक कस्टमर आया था जिसको वो जो चीज चाहिए वो मिली तो अपन को 1% मिला। बट अगर कोई कस्टमर आता है और उसको वो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है, तब हमारा -3% कट जाता है। तो समझो यार तुम ये चीज को, तो इसी वजह से हम मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मुझे ना दूसरा कैशियर चाहिए, मतलब इसके साथ साथ एक दूसरा कैशियर भी हायर करना है, तो मेरे को $2500 देने होंगे, जो कि मेरे पास अभी के लिए है नहीं। और अगर इस शॉप को मेरे को और बड़ा करना है, मतलब यहाँ पे अभी तो इस टाइम पे तो काफी बड़ा है, मतलब इसको और भी ज्यादा बड़ा करना है ना, तो मैं सेकंड फ्लोर भी खरीद सकता हूँ और उसके अलावा फार्म भी खरीद सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब देखो सेकंड फ्लोर खरीदने के लिए मुझे $5000 चाहिए, जो कि मेरे पास अभी के लिए नहीं है। मुझे इतने पैसे कमाने होंगे तब जाके वो सभी चीजें मैं कर सकता हूँ। बट इससे पहले ना अपन लोग फालतूगिरी करें, उससे अच्छा है कि जो भी सामान अपने पास है वो सभी सामान को अपन लोग ना रख देते हैं यहाँ पे इस बक्से के अंदर। चॉकलेट मिल्क है, जो कि फ्रिज के अंदर ही सही रहेगा। देखो रिक्वायर्ड फ्रिज, और फ्रिज के अंदर गया, तो अभी ये सामान सभी जो है ना फ्रिज वाला, वो सभी फ्रिज के अंदर अपन लोग रख देते हैं। भाई लोग लगभग रात के 12 बज चुके हैं, कैशियर भी जा चुका है और अभी भी अपना काम चालू है, मतलब जो भी ये पिज्ज़ा बिज़ा का बॉक्स है वो सभी अपन को निपटाने हैं। पहले मैं सुसु कर लेता हूँ, खाना अभी बस खा के आया हूँ, और मतलब रियल में नहीं, गेम के अंदर खाना खाने की बात कर रहा हूँ। तो खाना वाना खाया, अभी सीधा जो ये पिज़्ज़ा का बक्सा है ना, इसको मैं सही कर दिया। चलो यार, पिज़्ज़ा का काम हो चुका है। अभी वेनिला का जो आइसक्रीम पैकेट है ना, इसको मेरे को सही करना है। आइसक्रीम है ना, देखने दो यार इसका क्या है। हाँ, आइसक्रीम है, वेनिला का आइसक्रीम जो है, इसको मेरे को रख देने दो इधर, एंड उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सामान को अपन को ना गाइज अभी सेट करना था, इस वजह से मेरे को घर भी जाना है, गेम के अंदर घर जाना है, वो सोना भी है, और दूसरे दिन सुबह आएगी। बट उससे पहले ना ये सभी जो काम अभी पड़ा हुआ है इसको अपन लोग कंप्लीट करके जाना चाहते हैं। और कुछ नहीं, अभी एक ही बक्सा पड़ा है, और इस बक्से के अंदर क्या है मेरे को देखने दो। इस बक्से में है वेनिला आइसक्रीम, जो कि अपन लोग अभी सेट ही कर रहे हैं। मेरे पास आइसक्रीम जो है ना वेनिला की, बहुत सारी आइटम जो है वो सस्ते में मेरे को मिली थी, तो मैंने खरीदी थी। अभी कल अपन लोग वापस से बाई करने के लिए स्टोर में जाने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी महंगी है, कौन सी चीज़ बाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं बाई करनी चाहिए। तो कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर एक मिनट ये लगा देते हैं अपन लोग इधर, इसका भी अच्छा सेलिंग हो रहा है भाई, वेनिला की चीज़ों का भी। अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ $1800 पड़े हुए हैं। एक मिनट रुको, मेरा ना जबीर शॉप डिलीवरी, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर जाना है और सो जाना है, एक बज चुके हैं रात के, देख सकते हो तुम लोग, रात के 1 बजे अपन लोग अभी घर जाने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं, वैसे शॉप क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना कोई भी सामान चुराएगा नहीं, तो दिक्कत वाली बात नहीं। रात के 2 बज गए, देखो देखते देखते राइट साइड में आपको घड़ी दिखेगी ऊपर, देखो 2 बजे लिख रहा है, मतलब वो रात के 2 बजे है। और कुछ नहीं, अभी लाइट ऑन करने दो भाई। अरे 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 थक जाती गाड़ी भाई, अभी एक मिनट अगर मैं कुछ नहीं करता ना तो गाड़ी गई थी भाई पेड़ के साथ। तो अपन लोग आ चुके हैं अपने घर पे, यहाँ पे गाड़ी करेंगे पार्क और सीधा जाएंगे ऊपर और सीधा जाके सो जाने वाले, क्योंकि आज के दिन हमने बहुत सारा काम किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपन को रखना था शेल्फ में, वो सभी चीज़ें मैंने रख दी है। और कल तो अच्छी खासी बिक्री होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो भी सामान अपन के पास था सभी अपन ने स्टोर कर दिया है, सही जगह पे सभी चीज़ों को रख दिया है, तो एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चीज़ें हो चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी के लिए। और अभी जाते हैं, चलिए फटाफट से ये रास्ता अपन लोग निपटाते हैं, फटाफट शॉप पे जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 7 बज चुके हैं, लगभग मैंने 3 से 4 घंटे की नींद ली है, रात को 2 बजे सोया था, सुबह मैं 7 बजे उठ गया, तो आप लोग समझ सकते हो बहुत कम सोया हूँ मैं। और गेम के अंदर सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको सोना ही सोना है, अगर आप पूरी रात काम करना चाहते हो तो काम भी कर सकते हो। एक मिनट को यहाँ से भी अपन लोग ना थोड़ी बहुत चीज़ों को खरीद लेते हैं। ये अपन लोग जाते हैं यहाँ पे, ये कितने में बिक रहे हैं लोग, एक मिनट
अपन लोग अभी बाई नहीं कर सकते क्या ये वाला? नहीं ये नहीं बाई कर सकते, बट इसका तो प्राइस हाई है। देखो $508 में अपन लोग खरीदेंगे, करंट प्राइस इसका $508 है, और लोग जब अपने पास आएगा मतलब जितने भी लोग अपन के पास खरीदने आएंगे वो $500 से ज्यादा अपन को देंगे नहीं, तो $8 का नुकसान ही है, तो ये चीज़ तो अपन लोग नहीं खरीदने वाले हैं। उसके अलावा इसके पास में और भी ये सब चीज़ें हैं। चिकन का प्राइस देखो बहुत ज़्यादा हाई है, $345 है, मतलब $345 का चीज़ अपन लोग यहाँ से खरीदेंगे, इसको अपन लोग इतना पैसा देंगे, और जो नॉर्मल पीपल हमारे पास से खरीदने के लिए आएंगे वो $300 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ मीट के अंदर फायदा है, अपन लोग यहाँ से ना $443 में खरीदेंगे और हमारे पास से लोग $570 में खरीदेंगे, तो आई थिंक $100 के ऊपर का फायदा है, तो इस चीज़ को अपन लोग करेंगे। बट एक मिनट को, ATM है क्या आसपास? हाँ ATM है रहा, क्योंकि मैं खरीदने गया तब बोले कि पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा क्या ही सीन हो गया। एक मिनट अपन लोग ना अभी वॉलेट में डाल देते हैं थोड़े से पैसे। एक मिनट, ये अपन को बैंक में पहले पैसे डालने होंगे, $1200 डाल लेता हूँ बैंक में। अभी बैंक से पैसे अपन लोग जो बैंक में डाले हैं वो अभी डाल देते हैं वॉलेट में। तो ये डाल दिए वॉलेट में, अभी अपन लोग चीज़ें जो है ना वो खरीद सकते हैं। आ जाओ और सीधा जाते हैं अपन लोग यहाँ पे और खरीद लेते हैं मीट। आई थिंक मीट ना अच्छा बिकेगा, अभी के लिए अपन लोग एक ही पैकेट मीट लेने वाले, क्योंकि मीट बहुत महंगा है, ये तो भाई उससे भी महंगा है भाई यार। आ जाओ यहाँ पे रखते हैं मीट को, इसको फ्रिज की ज़रूरत पड़ने वाली है। केले 35 नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है केले के अंदर, जितना का खरीदेगी उतने का ही बेचेगी, ये तो हाई प्राइस है सभी चीज़ें। पोटैटो हाई प्राइस मतलब हद हो गई, ये कितने का है? $4 का मुनाफा है, ऑरेंज में खरीद लेते हैं, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ओके कुकुम्बर में यार चलो $2 का मुनाफा है, बट अपन लोगों को ना वेरिएशन मिल जाएगा, मतलब आइटम ज़्यादा होगी ना तो कस्टमर थोड़े घर पे कम जाएंगे, तो एक वो प्रॉफिट है। ये क्या है, एक मिनट रुको, तो ये डोली से अपन लोग, अच्छा ये डोली से अपन लोग कर क्या सकते हैं वैसे? अच्छा ये तो देखा, पता नहीं क्या है ये, अब ये देखते हैं। हाई प्राइस है, ये गुड प्राइस है, इसके अंदर क्या है? $17 का मुनाफा है, खरीद लेते हैं। $17 का मुनाफा था, इसके अंदर अच्छा मुनाफा है। सैल्मन फिश में ये भी एक पैकेट खरीद लिया, आई थिंक ये बाकी सब चीज़ें इसके अंदर कोई मुनाफा नहीं है। आ जाओ जिसमें प्रॉफिट है वही चीज़ें खरीदनी है भाई, बिना मतलब के पैसे नहीं देने, अपन को वेरिएशन चाहिए तो कोई दूसरी चीज़ खरीद लेंगे, चीज़ें खरीदने के लिए सो है। अपन लोग कल जब आएंगे ना तब इसकी प्राइस वैसे भी कम हो चुकी होगी। एक मिनट नीचे उतर चिमकांडी, सामान रख इधर, बाद में जा घर पे, जो ये खरीदा है ये सभी सामान इधर का इधर ही पड़ा रहेगा। इधर रखा, इस बक्से को इधर रख देते हैं डिक्की पे। आई थिंक ना मुझे ना गाड़ी कोई दूसरी ले लेनी चाहिए, इसके अंदर ना मैं सामान को रख नहीं पा रहा हूँ जितना मेरे को रखना है भाई यार, बहुत लिमिटेड सामान है जो मैं रख पा रहा हूँ। एक मिनट रुके, गाड़ी को पहले सही करने दो। हाँ एक मिनट, हाँ अब सही है। एक तो ना सही वाला एंगल भी नहीं दे रही थी गाड़ी सामान रखने के लिए। हाँ अब सही है, एक मिनट ये रख दिया इधर। अभी इसके अलावा कोई बक्सा नहीं पड़ा है ना जो अपन लोगों ने ना उठाया, वो इसके अंदर ही सामान खरीदा था, एक भी बक्सा अंदर तो नहीं रह गया। ओके वरना वो तो प्रॉपर नुकसान ही है, पता है अपन जो सामान यहाँ पे भूल के चले गए वो तो नुकसान ही है, उसके अंदर तो प्रॉफिट का फिर सोचो भी मत, वो वाला से है। इसको रख देते एकदम सही तरीके से, ये एक मिनट ये गया एकदम बस, चलो इसको भी रख देते हैं ताकि ऊपर सामान रख सके, और कुछ नहीं। ये ले लेते हैं इधर से, इसको रख देते इधर। आई थिंक मीट जो खरीदा था वो तो अपने पास आ चुका है ना, मीट खरीदा था आई थिंक सो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं डोर को वापस, और गाड़ी को लेके जाते हैं शॉप पे, और शॉप पे सभी चीज़ें वापस से लगा देंगे। अपने पास वैसे भी जगह बहुत सारी है सामान रखने के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें हाल ही फिलहाल में खरीदी हुई है, शेल्फ है, फ्रिज है, तो कोई भी दिक्कत होने वाली अपन के लिए तो अभी के लिए तो नहीं है। शॉप ओपन हो चुका है, कारीगर अपना काम पर लग चुका है, जो अपना कैशियर, इसको कैशियर बोलेगा कारीगर नहीं। नीचे उतरते हैं और इसको करते हैं ओपन, और एक यार ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलो कोई ना, ऐसे ही पकड़ो इसको और यहाँ पे रख दो मस्त वाला, ज़रूरी नहीं है इसको अपन लोग ओपन करके ही चीज़ें ले, सीधा पटक दो इधर से ही ले लो डिकी के कास से। अरे 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 अपन लोग रस्ते में सामान रखेंगे ना तो कस्टमर को आने जाने में तकलीफ होएगा, रुको ये भाई ऑरेंज इधर रख जा, कस्टमर भी बोले यार ये दुकान सही नहीं है, यहाँ पे सामान ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है, इधर नहीं जाने का ऐसा। अब इस बैग में क्या है देखने, तो इस बैग में सामान लिखा नहीं हुआ है ऊपर। हाँ मीट, अभी मीट को तो प्रॉपर फ्रिज चाहिए, तो ये रहा अपना फ्रिज, यहाँ पे रख देते हैं मीट को, और मीट को ये मीट खरीदने वाले बंदे हो गए तो सही ना, कि सभी नॉन वेजिटेरियन है इसके अंदर।
मीट बिक रहा है मतलब कि क्या बोल, सॉरी वेजिटेरियन ऐसा बोलना था, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। हाँ चलो चलता है, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे तभी ये खाएंगे भाई, वरना अपना मीट का धंधा चौपट जाएगा, लोग बोलेंगे कि भाई हम सभी वेजिटेरियन हैं। एक मिनट इसको भी उठाते हैं, ये लगा देते हैं इधर, ओके इसको इसके ऊपर रख दे, नहीं इसको इधर रख, अरे एक एकदम सही तरीके से रखना है ऑरेंज को भाई, इसका भी अच्छा धंधा होने वाला है, इसको फ्रिज की जरूरत नहीं है ऑरेंज को, किसने बोला फ्रिज चाहिए इसको, इसको ऐसे ही यहाँ पे पटक दो, देखो ऐसे कोई पंगा ही नहीं भाई, इसको फ्रिज की क्या जरूरत है, आ जाओ उठाओ इसको, जिसको फ्रिज की जरूरत है उसको ही फ्रिज में रखो, ये भी मतलब कि ये सब चीजों को फ्रिज में रख के कोई फायदा नहीं है। ये लिया ऐसे ऐसे, इसको ऐसे करके ये अंदर, इसको ऐसे करके इधर, और इसको ऐसे करके इधर। एक मिनट यार ये गलत लग गया था, बाहर आ रहा था थोड़ा, और कुछ नहीं, इसको ऐसे करके इधर, और फिर इसको ऐसे करके इधर रख दे, अरे रख दिया, चलो मस्त हो गया। 10 के 10 पैकेट यहाँ पे हमने रख दिए हैं, और हर एक पैकेट के अंदर ना 10 ही पैकेट आते हैं, आपने अगर नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट सभी पैकेट में 10 से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ये मर्चे भी ले लेते। इसका क्या है, काकड़ी है क्या, इसको क्या मतलब समझ नहीं आया मेरे को क्या है, कुकुम्बर, इसको भी फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अपन लोग इसको इधर ही रख सकते हैं। आ जाओ इस पैकेट को पकड़ते हैं। नो डार्क चॉकलेट है अपने पास, डार्क चॉकलेट खत्म हो गई क्या, क्या अपन को ना अभी के लिए डार्क चॉकलेट खरीदने जाना होगा, क्योंकि डार्क चॉकलेट वाला एक आदमी आया था खरीदने के लिए, बट उसको डार्क चॉकलेट अपने पास से मिली नहीं है, डार्क चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी वापस, खत्म हो गई है। वैसे मैंने ना बहुत सारा डार्क चॉकलेट खरीदा था, पता नहीं यार कैसे इतनी जल्दी डार्क चॉकलेट खत्म हो गया, कुछ ज़्यादा ही डिमांड में है डार्क चॉकलेट। चलो आ जाओ अभी ये वाला आखिरी वाला पैकेट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आई थिंक रेड आई फिश, ओके चलो ये फिश जो है इसको तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं रख सकते, और ये सबको पता है, मेरे को अकेले को नहीं, तुम लोगों को भी पता है, फिश जो है उसको फ्रिज में ही रखो अभी, सही रहेगी वरना ये बिगड़ जाती है तुरंत ही। अभी इसको इधर रख देते हैं ऐसे, अभी इसको रख देते हैं इधर, अभी इसको उठा के रख देते हैं इधर, अभी इनके ऊपर एक एक फिश रखते जाएंगे, देखो ऐसे। हाँ ये वाला काम मेरे को पहले नहीं पता था, अभी पता लगा, एक मिनट मैं ना सोच रहा हूँ इसको भी ऊपर रख देते ऐसे, हाँ एकदम बस, चलो ये गई, ये भी गई इसके ऊपर, हाँ एक के ऊपर एक रख देते हैं, बेस्ट। तो गाइस यहाँ पे ये भी काम हो चुका है, अभी के लिए अपन को ना केक वगैरह खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास केक फ्रिज है बट केक नहीं है। अपन इसके अंदर देखते हैं कंप्लेंट जो आई है, सॉस नहीं है, मिल्क नहीं है कंप्लेंट में, क्लीनिंग पाउडर नहीं है, सलाड ड्रेसिंग नहीं है, वो रोस्टी नहीं है, जाम नहीं है, चिकन नहीं है, केचप नहीं है। ओके चलो, तो आज के लिए काफ़ी सही वाला आई थिंक सेल हमारे पास आ चुका है। अभी हमें करना क्या है पता है, कैशियर से जो भी पैसे उसने कमाए हैं वो सभी पैसों को कलेक्ट करते हैं, और हमारे पास अभी आ चुके $1700, और यहाँ पे जाते हैं देखते हैं डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी कौन सी चीज़ में सस्ती डिलीवरी कौन सी निपट रही है। देखो इसके अंदर $3 का मुनाफा है, मेरा प्राइसिंग जा रहा है $52, और मैं लोगों को बेचूंगा वो बेचूंगा $55 में, तो आई थिंक $3 का फ़ायदा है, तो इसको ऑर्डर कर देते हैं। इसके अलावा एनिमल ट्रीट है जो है $165, नहीं भाई नहीं चाहिए, बीन्स देख लेते, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है। अब देखो प्रॉफिट कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं बता दूँ, देखो टोटल प्राइस जो है, टोटल प्राइस मीन्स कि अपन को $127 देने होंगे उनको, डिलीवरी के $10 ज़्यादा लगेगा, मतलब सभी ये लगा के, मतलब ये सभी प्राइसिंग लगा के हमें मिलेगा $127 में 10 आइटम, बट अगर अपन वो 10 आइटम जो मिलेगी अपन को वो लोगों को बेचेंगे तो वो लोग और अपन लोग $115 के ऊपर नहीं कमा पाएंगे, तो ये चीज़ को तुम लोग समझ सकते हो। नॉर्मल प्राइस जो है वो $115 है जो कि रेगुलर बंदा आपको देगा, उससे ज़्यादा पैसे देगा नहीं, तो क्यों फिर अपन इसके अंदर वेस्ट करें अपने पैसे, मतलब लगभग $10 के आसपास का तो अपना नुकसान ही हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। ब्रिक ब्रेड है, इसके अंदर भी नुकसान ही का केस है, इसके अंदर भी नुकसान ही है। ब्लीच जो है इसके अंदर प्रॉफिट है $7 का, तो इसको अपन लोग ऑर्डर कर लेंगे और दो मतलब 20 पैकेट मंगवाएंगे। बर्गर जो है बर्गर के अंदर भी प्रॉफिट है, तो इसका भी अपन लोग 2 पैकेट मंगवा लेंगे। केक यहाँ पे प्रॉफिट में है तो केक भी मंगवा लेंगे। केक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वीज़ा का कार्ड है जो कि क्लियर हो चुका है, हमें जाना होगा बैंक,
क्योंकि जो केक मंगवाने के टाइम पे ना, ये जो अपन लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना सभी चीजों को, उसके अंदर अपन का वीजा कार्ड लगता है, अपने वॉलेट से पैसे नहीं जाते हैं। तो जो कार्ड से पैसे जा रहे हैं, तो अभी ये सभी जो अपने पास वॉलेट में पैसे है वो सभी कार्ड में डालने होंगे, तो वॉलेट से बैंक में डालना होगा। बैंक में डालेंगे अपन लोग $1700 और $1700 को अपन लोग डालने वाले हैं कार्ड में। कार्ड में डाल दिए इसको। मैं सोच रहा हूँ कि ना लोन ले लेता हूँ, $1000 का लोन ले लेते हैं यार, इसको पे कर देंगे बाद में धीरे धीरे। तो अपन लोगों ने $1000 का लोन भी यहाँ पे ले लिया है, और अभी जो $1000 का लोन हमने लिया है वो सभी $1000 अपन लोग डालने वाले हैं बैंक में। और एक मिनट रुको यार, बैंक में मैं $1000 डाल देता हूँ पहले। लोन की जरूरत वैसे कोई थी नहीं गाइस, बट मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग जितने पैसे अपने पास ज्यादा हो गए ना, उतना ज्यादा अपन लोग कमाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने चीजों को लोन लेने में सही समझा कि चलो लोन ले लेते हैं, बाद में अपन लोग पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। सामान बिकेगा तो वैसे भी अपने पास पैसे आ ही जाएंगे, और नॉर्मल लाइफ में भी लोग लोन लेते ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे केक देख लेते हैं, केक क्या है। केक बर्गर तो फायदे में था, केक भी अभी तक प्रॉफिट में ही, तो इसको ऑर्डर कर देते हैं। काफी ज्यादा ऑर्डर हो गया। केश ये यार इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। केट फूड देखते हैं, केट फूड नहीं खरीदना है। गुड प्राइस इसकी चिप्स जो है, मैं $20 दूंगा और मेरे को 10 मिलेगा। नहीं भाई यार ये तो महंगा, मेरे को चिप्स लेने के लिए ना खुद ही जाना होगा, क्योंकि इससे तो महंगा ही पड़ेगा। और जो महंगी चीज़ है इससे मंगवा सकते हैं, बट चिप्स वगैरह नहीं मंगवा सकते, इससे प्रॉफिट नहीं होगा। इसके अंदर प्रॉफिट है, चलो ये मंगवा लिया। बिस्कुट गया तेल लेने। आइसक्रीम में प्रॉफिट है, आइसक्रीम भी मंगवा लेते हैं। चॉकलेट बार्स में प्रॉफिट नहीं है। चिकन वाला जो है इसमें भी नहीं है प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है। ये पाउडर में भी प्रॉफिट नहीं है। क्लीनिंग स्प्रे जो है इसमें भी प्रॉफिट नहीं है। ये ऑयल में भी प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी प्रॉफिट नहीं है। कुकी जो है मतलब खाने का बिस्कुट, उसके अंदर भी नहीं है। कॉर्न वाली चीज़ें इसमें भी नहीं है। कॉफ़ी स्टिक में $2 का प्रॉफिट है, खरीद लेते हैं, अपने पास वेराइटी आ जाएगी। कॉफ़ी के अंदर भी प्रॉफिट नहीं है। कोला नहीं प्रॉफिट है। कपकेक जो है उसके अंदर अपन को प्रॉफिट है लगभग $5-6 का, नहीं उससे ज़्यादा, $10 के आसपास का। डार्क चॉकलेट जो है वो डिमांड में है, बट अपने पास प्रॉफिट नहीं आएगा, हाई प्राइस है छोड़ो। डिटर्जेंट में भी प्रॉफिट नहीं है। डाइपर्स में प्रॉफिट नहीं है, $1 का नुकसानी है। ड्राई डॉग फूड के अंदर भी नुकसानी का केस है। ड्राई केट के अंदर भी नुकसानी हो जाएगी $8 की। डोनट के अंदर भी नुकसानी है। डॉग फूड के अंदर भी नुकसानी है। एक जो है अंडे जो होगी उसके अंदर भी नुकसानी है, इसके अंदर भी नुकसानी है। फ्राइज के अंदर नुकसानी नहीं है, अपन लोग फ्राइज को जो है ऑर्डर कर लेंगे। तो वन ऑफ योर ओके चलो आ जाओ, अभी के लिए गाइज इतनी चीज़ें काफ़ी है। फ्राइंग व्हील भाई यार देख लेते और कौन सी चीजों के अंदर। जैम में भी नुकसान है यार, जाम नहीं खरीद सकते अभी। आइसक्रीम बकेट है जिसके अंदर अपन को प्रॉफिट है, तो इसको भी ऑर्डर कर लेते। आ जाओ, अपन का जो भी चीजें ऑर्डर किया है ना जबीर शॉप से, वो सभी चीजें जो है इधर आ चुकी होगी। ये इसको भी ओपन करेंगे। ये है देखो, यहाँ पे सभी चीजें जो भी अपन ने ऑर्डर करी थी ना, 24/7 ये लोग काम करते है, तो ये सभी सामान आ चुका है। इसको यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे इस बक्से से जो भी 10-10 आइटम होगी वो निकाल के ना अपन लोग इसको रख देंगे अपने शेल्फ वगैरह में, ताकि बिक्री स्टार्ट हो जाए। हमने इस बार भी आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा ही मंगवा लिया। आई थिंक मुझे ना अभी नेक्स्ट टाइम से जो फ्रिज के आइटम है वो कम मंगवानी है, क्योंकि हमारे पास फ्रिज के आइटम ऑलरेडी ज़्यादा है। मैंने केक मंगवा लिया है क्योंकि केक की भी डिमांड रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि अपने जो कस्टमर आए वो अपनी शॉप से खाली आ जाए, जो भी चीज़ उनको चाहिए वो मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने सब चीज़ें मंगवा ली है अभी के लिए। तो वही मकसद है कि सभी चीज़ें जो भी यहाँ पे कैशियर के पास आके बोले कि ये मेरे को चाहिए, कैशियर बोलना चाहिए कि हाँ अपने पास है ले लो, इस टाइप से। ये गए अपन लोगों ने, ये चीज़ उठाई, ये भी उठाई। यार भागना क्यों, भाग क्यों नहीं पा रहा है बंदा। आई थिंक इसको खाने की ज़रूरत तो नहीं है अभी के लिए। चलो, तो हमारा जो भी सामान हमने ऑर्डर किया तो सभी आ चुका है, इसको करेंगे वापस पैक। अभी ये बक्से को लेके जाएगी इधर। इसके अंदर क्या सामान है मेरे को देखने दो। इसमें है आइसक्रीम बकेट जो कि फ्रिज के अलावा तो सही नहीं रहने वाला है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो इसको उठा देते हैं। और आइसक्रीम ब्रकेट जो है इसको इधर रखना स्टार्ट कर देते हैं एकदम मस्त। चलो मस्के के माफी काम करना स्टार्ट करो, वरना नुकसानी में जाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा। अभी गेम में बच चुके हैं रात के 12 और टाइम आप लोग देख सकते हो ऊपर की साइड। मैंने केक वगैरह जो भी खरीदा था सभी यहाँ पे लगा दिया है, उसके अलावा ये से भी सब चीज़ें हो चुकी है। देखो चिप्स वगैरह ला के इसके अंदर रखना है, आप लोग दूसरे दिन ये सब काम करेंगे, बट अभी भी एक पैकेट ही रह गया। इसके अंदर क्या है यार, ये सैल्मन फिश। हाँ अरे भाई सैल्मन फिश भाई लगानी पड़ेगी यार, सैल्मन फिश जैसे कोई बिक नहीं रही है। देखो ज़्यादातर इसके कोई
मेरे को नहीं लगता कस्टमर अपनी शॉप पे आ रहे हैं कि उनको सैल्मन फिश चाहिए, बट यार अपना बिजनेस है तो अपन को रखना पड़ेगा। जब भी कोई ना कोई कस्टमर आए तब ऐसा ना हो कि यार वो चला जाए, कि उसको सैल्मन फिश ना मिले, तो इस वजह से इसको रखना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसको रख देते हैं। रात बहुत हो चुकी है, मुझे घर पे भी जाना है और कल सुबह अपन लोग खरीदने वाले हैं सभी चीज़ें जो भी वेफर्स वगैरह होती है, वेफर्स मींस स्नैक्स वगैरह खरीदने वाले हैं। पहले कर लेते यहाँ पे सुसु, उसके बाद नहाना धोना हो जा, मतलब नहाना धोना करके निकल लेते हैं। चलो बस हो गया तो ना लिए, अभी मेरे को ना खाना भी खाना है, तो उसके लिए मैं जाने वाला, वो भी रेस्टोरेंट पे। रात के 1 बज चुके हैं, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, तो पहले अपन लोग रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएंगे एंड उसके बाद सीधा जाएंगे घर पे और सो जाएंगे। वैसे अभी ना गाड़ी पलटी मारने वाली थी, बट कोई ना यार, गाड़ी अभी तक तो सही है। लाइट में ऑन कर देता हूँ आगे ताकि रास्ता दिखे, गाड़ी में ठोक देता, बट कोई ना। चलो अपन लोग आ चुके हैं अभी रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे नीचे उतरना है और बर्गर, बेस्ट बर्गर नाम है इसका, यहाँ से अपन लोग ना बर्गर ही खाने वाले हैं क्योंकि इसके बर्गर बहुत टेस्टी है। जो भी बोलो यार, मैंने पहले भी खाए हैं और भाई बहुत, सच में बहुत टेस्टी है। ये खा लेते हैं खाना, और हमारा जो हंगर है वो 37 हो चुका है अभी। आई थिंक एक और बर्गर मेरे को खरीद लेना चाहिए, पूरा पेट पूजा करके जाएगी क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा हमने काम किया है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। आ जाओ, अभी गाड़ी लेते हैं पीछे और जाते हैं घर पे। चल 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 गाड़ी चल भाई, चल हो गया। अभी सीधा यहाँ से जाएगा ना तो अपना घर आ जाएगा। देखो लास्ट में अपना घर ही है, जहाँ पे लाइट हो रही है ना वो अपना ही घर है। अपन लोग 24/7 अपना जो घर का लाइट है वगैरह चालू ही रखते हैं ताकि ज़्यादा अपन को अपना घर ढूंढना ना पड़े, इसलिए और कुछ नहीं। आ चुके अपन अपने घर पे, गाड़ी इधर रख देते हैं, नीचे उतरते हैं, फटाफट से जाते हैं घर पे और अभी सो लेते हैं। रात के 2 बज चुके हैं, 3-4 घंटे की एक बढ़िया नींद ले लेते हैं। कल सुबह से तो वापस काम करना ही करना है, तो क्यों ना एक नींद ले ले एकदम मस्त वाली। चलो अभी सबसे पहले ना सुबह उठने के बाद अपन को एक काम करना है, और वो काम है अपन को ना सबसे पहले जबीर शॉप जाना है। जबीर शॉप से चिप्स वगैरह खरीदनी है, जो चिप्स आती है ना वो सभी खरीदना है क्योंकि अपने पास चिप्स वगैरह नहीं है। तो वो काम करने के लिए सबसे पहले अपन लोग जाने वाले जबीर शॉप पे। आ जाओ, तो उठाते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी और निकलते हैं जबीर शॉप पे। 1 मिनट रुकना, मैप के अंदर देखते हैं जबीर शॉप का रास्ता एकदम, हाँ इधर ही है, कोई पंगा नहीं है। इधर से अपना जो ये स्टोर है इधर से वो वाले रास्ते से, चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, रास्ता मेरे को पता है, सीधी गाड़ी चलानी है और उसके बाद जबीर शॉप आ जाएगा। अभी ना आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये भी सवाल करोगे, यार रज्जू भाई जबीर शॉप से तुम खरीदने, मतलब खरीदी करने के लिए क्यों जा रहे हो, जब तुम्हारा होम डिलीवरी वो ने तो सीधा घर पे ही मंगवा लो ना सभी सामान जो भी आपको चाहिए। तो उसके पीछे ना एक रीज़न है, मैंने अगर अपन लोग 10 रुपये की चिप्स वहाँ से खरीदेंगे ना तो मतलब 10 डॉलर की ही चिप्स आती है, 10 रुपीज़ की नहीं, $10 की चिप्स आती है। होता क्या है, अगर अपन लोग ने ऑर्डर करके वो चीज़ मंगवाई ना घर पे, मतलब होम डिलीवरी करवाई, तो उसके अंदर सीन ये हो जाता है कि $10 तो उल्टा होम डिलीवरी का लग जाता है, मतलब चार्ज लगता है। तो अभी जो $10 की चिप्स है वो $20 में मिलेगी, तो उसके अंदर जो छोटी चीज़ें होती है ना वो होम डिलीवरी पे अपन लोग नहीं मंगवा सकते, इसलिए अपन को खुद खरीदने के लिए जाना पड़ता है। बस यही प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं खुद खरीदी करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे। अरे ट्रेडिंग कंपनी पे आ गया मैं, आई थिंक रास्ता भूल गया हूँ, तो इसी वजह से मुझे जबीर शॉप जाना पड़ रहा है, वरना कोई जबीर शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे मैंने बोला, अब $10 की चीज़ अपन $20 में क्यों खरीदेंगे, जब अगर अपन लोग गाड़ी लेके, खुद की गाड़ी लेके जाएंगे तो $10 में अपन को वो चीज़ मिल सकती है। वही आई थिंक मैंने एक रास्ता इधर है, ये वाले रास्ते से जाना था बट मैं दूसरे रास्ते पर चला गया। ये रहा देखो जबीर शॉप, ये है जबीर शॉप जहाँ से अपन लोग चीज़ें खरीदते हैं जथाबंद में और बेचते हैं। गाड़ी थोड़ी आगे ले लेते हैं, ATM पे जाके पहले वॉलेट में पैसे लेंगे और उसके बाद ही सब चीज़ें हो सकती है। ये रख दी अपन ने अपनी गाड़ी और अभी इधर जाना है ATM पे, ATM पे जाके अपन को वॉलेट में डालने हैं पैसे। पहले तो ना बैंक में डालने होंगे $1,000। मैंने लोन भी लिया है बैंक से यार, वो मेरे को याद रखना पड़ेगा, वरना अगर मैं बैंक को लोन नहीं दूंगा तो पंगा हो जाएगा भाई यार। बैंक को लोन भी अपन को चुकाना है बट वो बाद में चुकाएंगे, अभी चेक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, आई थिंक मुझे ना ये सब खरीदने दो, हाई प्राइस है सभी की, सभी चीज़ों की हाई प्राइस। आई थिंक ये ब्रिक ब्रेड है, इसको मैं खरीद सकता हूँ ब्रिक ब्रेड, बट यार ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ये भी कोई डोनट भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये फ़ायदा देगा। आई थिंक मुझे ना ये खरीद लेना चाहिए, एक पैकेट खरीद लिया है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी केक वगैरह तो हाई प्राइस है, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ लो, छोड़ो इसको। अभी वेफर्स देखते हैं यहाँ पे, ये तो पिज़्ज़ा है,
ये गुड प्राइस में ये वाले पिज्जे खरीद लेता हूँ, वेजिटेबल पिज्जास खरीद लेता हूँ। वेजिटेबल का तो भाई जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये वाली कपकेक भी खरीद लेता हूँ, कपकेक भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा यार और भी चीज़ें मैं खरीदने के लिए आया था बट मैं भूल गया। अपन क्या खरीदने वाले थे? आई थिंक अपन लोग ना ये डार्क चॉकलेट खरीद लेते हैं। डार्क चॉकलेट ये रही, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें भी पता है और मेरे को भी पता है। चलो डार्क चॉकलेट जो है ना दो पैकेट निकाल लेते। अभी मैं एक ही पैकेट कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, ये वेफर्स खरीद लेता हूँ। चलो चिप्स 10-10 की है, ओके ये वाली खरीद लेता हूँ। 8 में अपन को मिलेगी और 10 में अपन लोग बेचेंगे ये वाली चीज़। तो एक ये ले लिया, चलो हो गया। इतना ही सामान मैं खरीद सकता हूँ एक साथ, इससे ज़्यादा सामान मैं अपनी गाड़ी में रख नहीं सकता हूँ। इस वजह से ज़्यादा सामान लेके कोई फ़ायदा नहीं है। इधर इसको रख दिया। अब धीरे धीरे सभी बक्सों को लेके आते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। भाई हमारे पास बैंक में -$52 है, सीरियसली? ओ अच्छा 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 अच्छा, हमने ऑटोमेटिकली हमारी जो लोन है वो पे करी है बैंक को, ऐसा है क्या ये? मुझे समझ नहीं आ रहा है बट आई थिंक तो हाँ, मुझे पता नहीं है, लोन अपनी ऑटोमेटिक जा रही है क्या? अब लोग अपनी लोन को ऑटोमेटिक पैसे दे रहे हैं क्या धीरे धीरे करके? पता नहीं क्या सीन है। कोई ना आ जाओ, देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पे रख देते इस पैकेट को। अभी ये आखिरी वाला पैकेट उठाते हैं और इसको भी रख देते हैं ऊपर की साइड पे, और उसके बाद हो गया अपना काम तमाम। चलो अभी गाड़ी को भगा लेते हैं। पहले तुम गाड़ी देखो एकदम मस्त, क्या लग रही है भाई गाड़ी, एकदम सॉलिड। इसके अंदर बैठेंगे और निकल जाएंगे इधर से अपनी शॉप पे। तो अब लोग आ चुके हैं वापस अपनी शॉप पे और शॉप के बाहर तक ही आ रहे हैं क्या भाई साहब? एक मिनट रुको, ये क्या हमने वाट लगाई है भाई? एक मिनट गाड़ी ठूके, उससे पहले मेरे को नीचे उतरने दो। भाई ये गलती हमने करी है क्या पता, बट ये शेल्फ बाहर आ रहे हैं, देखो आधे आधे बाहर आ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। आई थिंक ये वाला दरवाजा ओपन करते इसको पैक करते हैं, और अभी इसके अंदर कोई सामान रखा नहीं है ना। इसको तो मैं सही कर दूंगा बट वो वाला अभी सही होने में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा यार। सच्ची में हम लोगों ने बहुत गलत वो लगाया था, फिर तो फिटिंग गलत किया था उसका। अभी देखते हैं बाहर जाके, यार अभी भी ये बाहर आ रहा है, हद हो गई है। तो एक मिनट रुको, इसको वापस रख देते हैं, वापस लगाते हैं। पता नहीं बट क्यों यार ये बाहर क्यों जा रहा है? अभी इतना रख सकते हैं क्या? हाँ आई थिंक अपन लोग ना यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं, पीछे की साइड भी। कोई ना, इसका जब सामान बिक जाएगा ना उसके बाद इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन लोग जो भी सामान खरीद के आए हैं वो गाड़ी से बाहर तो निकाल ले। ये वेजिटेबल का थोड़ा बहुत सामान है और उसके अलावा भी ये डार्क चॉकलेट लेके आए, वो सभी को अपन लोग रख देते हैं और उसके बाद इस वीडियो को करेंगे अपन लोग बंद। बाय द वे यार, तुम लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक भूले बिना कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना इसका पार्ट 6 देखने के लिए, क्योंकि इसका ना पार्ट 6 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं छुड़ाने वाला हूँ अपना सेकंड फ्लोर, और उसके अलावा अपन लोग एक नया कैशियर भी हायर करने वाले हैं, और आई थिंक पार्ट 6 या तो पार्ट 7 इसका फाइनल पार्ट होगा, इसके बाद कोई भी पार्ट इसके नहीं आएंगे। तो तुम लोग अभी लाइक कर दो, और भी पार्ट चाहिए तो मेरे को बता देना यार। अपन लोग करेंगे पिज़्ज़ा रख देते फ्रीज में, क्योंकि फ्रीज के अलावा पिज़्ज़े जो होते हैं ना पिज़्ज़ा वो ठीक नहीं रहते, बिगड़ जाते हैं ऐसा माना जाता है। माना नहीं मतलब ये सच भी है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं है। तो भाई लोग ये आखिरी सामान है जिसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कपकेक, और इसके बाद इसको आई थिंक फ्रिज की ज़रूरत। ओ भाई ये फ्रिज में रखना पड़ेगा वरना बिगड़ जाता, मैंने अच्छा किया देखा ब्रो। अभी आई थिंक गाइस हमारी ना बहुत बड़ी नुकसानी होने वाली थी, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, इसको फ्रिज की ज़रूरत थी। मैंने AC रख दिया, ये सभी चीज़ों को फ्रिज की ज़रूरत तो नहीं है ना, बाकी चीज़ों को देखने दो यार भाई, ये तो सॉलिड नुकसानी हो जाती। अभी अच्छा किया मैंने देखा ब्रो, सच में ये भारी नुकसानी का केस हो जाता भाई। ये कपकेक यार रख लो इधर भाई, कहाँ रखूँ मैं इसको, एक तो जगह नहीं है। फ्रिज जितने भी मैं खरीद लूँ यार मेरे को ना जगह कम ही पड़ती है फ्रिज में, पता नहीं क्यों। आई थिंक मुझे क्या लगता है पता, अपन को इसको पहले थोड़ी देर के लिए नीचे रख देते हैं ये वाली चीज़ों को, और उसके बाद ना इसको लेके जाते हैं, उसके बाद होगा सब सही। ये ले लिया, इसको पकड़ते इधर से, बट तब तक ये सब ख़त्म ना हो जाए यार, बिगड़ ना जाए बस यार, मैं ये चाहता हूँ कि ये बिगड़े ना, वरना वाट लग जाएगी। ये गया इधर, ये रख दिया इधर ऐसे। अभी इसको ना थोड़ा सॉलिड तरीके से इधर रख, अरे हद हो गई मैं गिर गया। अभी इसको इसके ऊपर रख नहीं, अरे यार इसको इसके ऊपर भी नहीं रख सकते, हद हो गई ये तो। आई थिंक मेरे पास ना फ्रिज में अभी जगह नहीं है, तो फालतू का अभी सामान नहीं उठा के रखना है ब्रो यार। चलो ये भी रख दिया, इसको भी अपन लोग इधर रख देते हैं। आई थिंक दो पैकेट तक मैं रख सकता हूँ, इसके अंदर से दो चीज़ें निकाल लूँ, दो या तो चार, उससे ज़्यादा नहीं रख पाऊँगा फ्रिज के अंदर, ट्राई करता हूँ। ओके चलो हो गया।
तो यहाँ पे सभी चीजों को हमने यहाँ पे रख दिया है गाइज, और हमारा जो शॉप है आई थिंक आलिशान शॉप में तकदीर हो रहा है, मतलब बदल रहा है, तकदीर नहीं क्या बोलते पता नहीं यार, बोलने का ट्राई किया। और अपना शॉप जो है काफी बड़ा हो रहा है, केक वगैरह आ चुका है, उसके अलावा वेफर चिप्स वगैरह भी अपन लोग लेके आएंगे, और भी सामान जो है हमें लेके आना है शॉप के अंदर, और भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं, बट वो सभी पैसे कमाएगी अपन लोग पार्ट सिक्स में। और जहां तक मुझे लगता है पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन, और जहां तक मुझे लगता है पार्ट सिक्स पार्ट सेवन या पार्ट एट इसका फाइनल पार्ट होगा, उसके बाद एक भी पार्ट में अपलोड नहीं करूंगा, तब तक अपन लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर देगी। यहाँ पे ये वाला रास्ता जो ये वाला डोर है ना, अपन को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि इस डोर के पीछे अपन को सेकंड फ्लोर खरीदना है। सेकंड फ्लोर अपन को कौन कौन सी चीजें नेक्स्ट एपिसोड में खरीदनी, मैं बता दूं, अपन को खरीदना है एक सेकंड कैशियर जो कि $2500 का आएगा, उसके अलावा हमें एक सेकंड फ्लोर खरीदना है जो कि $5000 का आएगा, और अपन को एक फार्म भी खरीदना है जो कि $3500 का आएगा। तो अभी ये धमाल होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, अपन लोग बहुत सारी चीजों को खरीदेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और भी मजा आने वाला है। बट इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने 50,000 लाइक कर दिए तो इसका जो पार्ट सिक्स है वो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तुम लोग कमेंट कर सकते हो कौन सी चीजें मुझे खरीदनी चाहिए, और आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेटेजी चल रही हो यार रज्जू भाई इस तरीके से करोगे ना तो ज्यादा अपन लोग पैसे कमा सकते हैं, तो कोई भी दिमाग में चीजें चल रही है तो कमेंट करके बताना, वो चीज को मैं देखूंगा, और आपको मतलब आपके कमेंट को लाइक डील वगैरह भी दूंगा, हार्ट वगैरह भी दूंगा। तो मिलेगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।